नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया है आज, और किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल रुझान आज कम्युनिटी बाजार का मंदी की ओर रहेगा या तेजी की ओर, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, कैसे सीड की बात करें अगर एग्री कम्युनिटीज में, तो कैसे सीड का फरवरी वायदा देख रहे हैं 6434 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार का फरवरी वायदा अब देख रहे हैं कि 6400 के ऊपर निकल चुका है, 6400 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या आज इंट्राडे में 6500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, या फिर इस ये कारोबारी सप्ताह का अंत होते होते क्या 6500 तक के लेवल कैसे में देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेड है कि 6500 का स्तर देखने को मिल सकता है कैस्टर के अंदर। और मैंने पहले भी बताया था कि ये काफी सीमित दायरे में है और अभी भी फिलहाल वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर में आप 6500 तक एक बार मान सकते हैं कि ये प्राइसेस अपसाइड में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी जी सर, जी बात करें अगर बिनौला कल की, तो बिनौला कल का फरवरी वायदा देख रहे हैं 3267 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3288 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, हमने बिनौला कल में तेजी भी देखी, फिर करेक्शन देखी, अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे फिर से हल्की हल्की बढ़त बनती जा रही है कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको क्या लग रहा है, क्या बिनौला कल में यहाँ से धीरे धीरे फिर से तेजी बनती रहेगी? देखिए बिल्कुल अखिलेश, मैंने पहले भी यही बोला था कि जो करेक्शन आ रही थी तो घबराए नहीं, इसमें आप बाइंग की रणनीति बनाई, क्योंकि यहाँ से वापस से बाजार अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आप देखिए अभी भी बाजारों में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बना है, और यहाँ से आप मान के चलिए कि बिनौला कल एक बार 3400 तक वापिस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसाल में हम देख रहे हैं कि जीरा आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। जीरे का मार्च वायदा देख रहे हैं 19605 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 19950 का हाई भी लगा चुका है, और 0.2% की तेजी, 340 रुपये की तेजी के साथ इस वक्त जीरा शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, आपने भी 18000 के बाद 19000-20000 के लेवल दिए थे, 19000 का तो लेवल आपका अचीव हो चुका है काफ़ी पहले, अब देख रहे हैं कि 20000 का भी धीरे धीरे अचीव होने की कगार पर है, आपको क्या लग रहा है, क्या इस कारोबारी सप्ताह तक जीरा ऐसे ही 20000 तक के लेवल दिखा सकता है, और आने वाला कारोबारी सप्ताह जीरे के लिए कैसा रह सकता है? देखिए बिल्कुल अखिलेश, एक्सपेक्टेड है कि 20000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ से तेजी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन में बनी रह सकती है। मैंने पहले भी बोला था कि जीरा जब अपनी रेंज ब्रेक करेगा तो वहां से आप देखेंगे कि एक शार्प रैली इसके अंदर बनती हुई दिखाई देगी, और फिलहाल हमने वही होता हुआ भी देखा है। और अभी भी यहाँ से एक बार 20000 का सपोर्ट है, अगर उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो वापस से नए टारगेट बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 20000 का स्तर आपको हो सकता है इसी हफ्ते देखने को मिल जाए। जी सर, जी बात करेंगे धनिया और हल्दी की, तो देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी तो है लेकिन सपोर्ट लेवल्स पर ही टिके हुए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या धनिया और हल्दी में भी जीरे की तरह आगे बढ़त देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि मसालों में तेजी ही है, और धनिया भी आप देखिए जो एक बार 10000 के नीचे लुढ़क गया था, अगेन 10000 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हल्दी में भी वापस से जो है वो तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मार्केट में काफी पॉजिटिव मोमेंटम है मसालों को लेकर, एक्सपोर्ट डिमांड्स भी अब अच्छे खासे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, घरेलू डिमांड भी अच्छी खासी, और कुछ एक क्रॉप डैमेज की भी खबरें हैं, तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, और टेक्निकली भी मार्केट अभी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें बाइंग में रहना चाहिए। और धनिया भी आपको ऊपर में 11000 से 12000 का स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि मसालों में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है, धनिया हुआ, हल्दी हुआ, जीरे हुआ, तो तीनों ही मसालों में वायदा बाजार की बात करें चाहे हाजिर बाजार की बात करें, रूपा जी के मुताबिक तीनों ही मसालों में पॉजिटिव ही रुझान है, पॉजिटिव ही ट्रेंड है, आउटलुक है आगे भी, साल 2022 इनफैक्ट मसालों के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। हाजिर में भी जो कारोबारी हैं वो भी अपना माल थोड़ा निकाल के थोड़ा बेच कर चल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि ग्वार गम का फरवरी वायदा 11994 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 12000 के करीब है, एक बार फिर से 12062 का हाई लगा चुका है, 1% की तेजी है। ग्वार सीड का फरवरी वायदा देख रहे हैं 6400 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है,
क्या आज इंट्राडे में एक बार फिर से गवार गम और गवार सीड में ओपी सर्किट लगते नजर आ सकते हैं? देखिए अखिलेश, मैंने पहले भी बोला था कि ग्वार के अंदर बाइंग में रहिए और एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम जो है अगेन 12,000 तक जा सकती है। और आप देखिए 12,000 के पास अभी कारोबार करता हुआ ग्वार दिखाई दे रहा है, यहाँ से नए लेवल्स भी अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी एक तेजी और बन सकती है इसमें, जो कि इसको 12,800 से 13,200 तक भी ले जा सकती है। एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो बनती हुई दिखाई दी है और ग्वार सीड भी 6800 तक ऊपर जा सकता है, तो काफी पॉजिटिव है मोमेंटम। और आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि करंट लेवल से 2 से 2.5% की तेजी और बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सर, ऊपर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि मंडियों में आवकों का दबाव है और विदेशों में भी जो सप्लाई है वो बाधित हो रखी है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी ऐसी अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कम रह सकता है, हालांकि अभी बारिश पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक अनुमान यही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे सोयाबीन में मंदी रहेगी या तेजी? देखिए मसालों, अगर तेलों की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में प्रेशर है, लेकिन विदेशी बाजारों के को अगर हम स्टडी करें तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है मसालों इसके तेलों के लिए, और उनमें एक तेजी का रुझान जो है वो बनता हुआ आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार काफी सुस्त है और मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में फिलहाल बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहां से ना तो अभी एक बार बहुत तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है। तो रूपा जी के मुताबिक सोयाबीन में ना ही बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नज़र आ रही है अभी, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट की। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास की, तो कपास में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि पहले तो बारिश ने बर्बाद की कपास की फसल, फिर कीटों का प्रकोप देखने को मिला जिसकी वजह से क्वालिटी भी इम्पैक्ट हुई और जो वॉल्यूम्स थे कपास के वो भी मंडियों में कम ही देखने को मिल रहे हैं अच्छी क्वालिटी के। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये जो अभी ऊपरी स्तरों से दबाव बना था और एक्सपोर्ट डिमांड कम देखने को मिली थी ऊपरी लेवल्स पे, तो क्या इन लेवल्स पर एक बार फिर से एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देख रहे हैं कि डिमांड तो निरंतर लगातार बनी हुई है? देखिए एक बार कमोडिटी दोहराइए। और रूपा जी कपास में आपको क्या लग रहा है, क्या कपास के एक्सपोर्ट में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है ऊपरी लेवल्स पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से दबाव भी बना था, चाहे हाजिर की बात करें या फिर वायदा की बात करें, दोनों ही जगह में हमने ऊपरी स्तर से दबाव बनता देखा, तो कपास की कीमतों में एक हल्की सी नरमी दर्ज की गई थी, तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी हाजिर और वायदा में? देखिए बिल्कुल कपास में अखिलेश तेजी है और तेजी का ही रुझान अभी कंटिन्यूशन में रह सकता है, और मुझे लगता है कि अभी बाजारों में तेजी ही देखने को मिल रही है घरेलू बाजारों में, ना केवल विदेशी बाजारों में। ओवरऑल फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है जिसके चलते इसके अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कपास में बाइंग में रहना चाहिए। आप देखिए वायदा में 36,700 के ऊपर निकल चुका है मार्केट, और अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 37,000 से 38,000 की भी रैली आ सकती है, लेकिन वही बचकर भी चलना चाहिए क्योंकि काफी ऊपरी लेवल है, कभी भी करेक्शन जोन में भी मार्केट जा सकता है, तो धीरे धीरे लिक्विडेट करते रहना चाहिए माल को, जो भी तेजी आती है उसमें धीरे धीरे माल को निकालते रहे। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ को लेकर आ रहा है, सादिक मोमिन जी है, ये जानना चाह रहे हैं रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए मैंने शायद इनका सवाल पहले भी आया हुआ है, तो मैंने पहले भी यही बोला था कि रिफाइंड सोया और सीपीओ में अभी बच के रहे, अभी फिलहाल इसमें बाइंग की मेरे हिसाब से कोई रणनीति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अभी जो टाइम फ्रेम है 1 से 1.5 महीने का, मुझे लगता है कि ये बाजार सुस्त रह सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जी रूपा जी, दर्शक हैं सोमवीर सिंह जी, जिनका सवाल गवार सीड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं क्या गवार सीड 7,000 हो सकती है, क्या यहाँ से खरीदारी करके चलने में अभी फायदा मिल सकता है आगे? देखिए ग्वार सीड बिल्कुल तेजी की तरफ जा सकती है, लेकिन करंट लेवल काफी ऊपर है, यहाँ से बाइंग करनी है। देखिए जब 6,000 के आसपास आता है तब वहां पर बाइंग करने वाले लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है, वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि बाजारों में ये लेवल्स आ सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या रहेंगे आज आपकी तरफ से एग्री कमोडिटीज के, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है पूरे ही कारोबारी सप्ताह के लिए? देखिए आज एग्री कमोडिटीज की बात करें तो अखिलेश मुझे लगता है कि बिनोला खल में वापस से बाइंग इनिशिएट होगी, तो बिनोला खल 3400 से 3500 के टारगेट के लिए बाइंग में बनाया जा सकते हैं लेवल्स। और दूसरा ग्वार काफी अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ से ग्वार में भी बाइंग करके चल सकते हैं, ग्वार के साथ साथ जीरा अच्छा आउट परफॉर्म यहाँ से करता हुआ दिखाई दे सकता है, 20,000-20,200 तक जीरे में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बिनौला खल, गवार सी गवार और
तीसरी कमोडिटी उन्होंने दी है जीरा। इन तीनों कमोडिटीज़ में आज आप इंटरडे में खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं, और ये तीनों कमोडिटीज़ आपको आगे भी अच्छा मुनाफा देती हुई नज़र आ सकती हैं। फिलहाल सिलसिला बाज़ारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।